नमस्कार, जीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है महत्तम समानुपातक, यानी कि एचसीएफ। द एस फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आज हम एचसीएफ में बात करेंगे कि सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है। तो किसी भी दो संख्या दी गई हुई, कोई भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होता है जिन बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें उनका भाग उस संख्या में चले जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा 12, 18 और 24, तो ये तीन संख्याएं दी हुई हैं। तो हमको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इन तीनों में जिनका भाग चला जाए। जैसे 12 में किस किस का भाग चला जाता है? दो का, तीन का, चार का, 6 का और 12 का। इस प्रकार 18 में किस किस का भाग जाता है? दो का जाता है, तीन का जाता है और 6 का जाता है और 9 का जाता है और 18 का जाता है। 24 में किस किस का जाता है? 24 का देखते हैं तो दो, उसके बाद तीन, चार, 6, 12 और 24। तो ये सब इसके गुणनखंड है, पर इनके गुणनखंड में भी हमको कॉमन होना चाहिए और वो सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो इनमें जैसे देखा जाए, सबसे बड़ी संख्या जैसे कि हमारा 6, 6 तीनों में कॉमन है और सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को बराबर बराबर विभाजित कर रही है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई? एचसीएफ हो गई। तो 6 हमारी 12, 18 और 24 की एचसीएफ कहला जाएगी। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं कि महत्तम समानुपातक क्या होता है। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है, या अभी हमने एक एग्जाम्पल समझा है, एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 में हमारा इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? हमारा 5। क्यों? क्योंकि 5 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10, 15 और 20 को बराबर भागों में या फिर पूर्णतया विभाजित कर देती है। ठीक है, क्लियर। अब एचसीएफ जब हम पढ़ते हैं तो एचसीएफ को फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो। एक होता है हमारा भागफल विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिवीजन मेथड। एक होता है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भागफल विधि। भागफल विधि से हम किस तरह किसी भी दी हुई संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समानुपातक कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 12 और 18 ये दो संख्याएं दी हैं, यदि हमको इनका, ये हमारा उदाहरण है, इनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो ये 18 हमारी बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या हो गई हमारी 12, तो 12 में इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12, एक बार गया 12 एकम 12, इसको घटाएंगे तो हमारा 6। अब ये देखिए यहाँ पे 6 आ गई, 6 में 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 12 को यहाँ पर उतार के ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ये छोटी संख्या हमारी 6 हो गई और 12 हमारी बड़ी संख्या, तो अब इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12,
अब हमारे रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। शेषफल क्या आ गया, जीरो। जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल आता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो 6 से भाग देने पर हमारा एचसीएफ आया है ना, तो 12 और 18 का भागफल विधि से एचसीएफ कितना आया है, 6। उसका महत्तम समवर्तक हमारा 6 आया है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बीस और 25 दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं का हमको क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक। तो अभी क्या बताया गया था, भागफल विधि से क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 25 में हम 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 20 एकम 20। अब इसको घटा देंगे, 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 में से 0 गए, 5 ही बचेगा और 2 में से 2 गए 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 20 बड़ी संख्या हो गई, 5 छोटी संख्या भागने जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 20 को यहाँ उतार लेंगे। अब फिर से भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा 20 में पहुंचने के लिए, 4 बार जाएगा। तो 5 ओके 20, तो ये हमारा कट गया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया ना शेषफल। और जहाँ शेषफल हमारा 0 आ जाता है वहाँ हमारा आंसर। तो हमारा जो 20 और 25 का भागफल विधि से हमारा उत्तर आया है 5। ठीक है। ये तो हम दो संख्याओं का निकालना सीख रहे थे। अब हम जैसे हमको तीन संख्या दी है तो तीन संख्याओं का निकालना सीखेंगे। जैसे हमको दिया है 30, 40 और 60, तीन संख्याएं दी है ना। अब तीन संख्याओं का भागफल विधि से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, महत्तम समवर्तक निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इधर पे कोई दो संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे। क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याओं का हम जोड़ी बनाते हैं। अब इन जोड़ी में जैसे हम 30 और 40 को ले लिए, एक संख्या को अभी छोड़ देते हैं, तो 30 और 40 को पकड़ लिए तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे जैसे पहले किए थे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 30 का एक बार जाएगा, कितना बचा है यहाँ पे 10। अब 10 छोटी संख्या हो गई 30 से, तो 30 को हम यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 का कितने बार भाग देंगे जाएगा, यहाँ पे 3 बार, 10 दिया 30, तो ये 0 आ गया। तो 40, 30 और 40 का हमारा एचसीएफ आ गया 10। लेकिन अभी हमें 60 का नहीं आया है ना, तो 60 का नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों का एचसीएफ आया है 10 उसका भाग देंगे 60 में। ठीक है। तो 10 छक्के का 60, 6 बार बराबर बराबर चला गया ना, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा 30, 40 और 60 का भागफल विधि से हमारा उत्तर आ गया 10। क्लियर। चलिए ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल समझते हैं तीन संख्याओं का, है ना। जैसे 18, 24, 36, तीन संख्याएं दी हैं, इनका हमको भागफल विधि से महत्तम समवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, दो संख्याओं का हमें पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है। तो हम दो संख्याएं ले लिया 18 और 24। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे, तो 18 में कितने बार जाएगा भाग, 24 में 18 का एक बार जाएगा, तो 18 एकम 18। अब देखिए 14 में से 8 गए 6 और 1 में से 1 गए 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 छोटी संख्या हो गई, 18 बड़ी संख्या हो गई, तो 18 को हम अब नीचे लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 6 दिया 18, तो ये हमारा 18 और 24 के आ गया महत्तम समवर्तक 6। अभी 36 का बाकी है ना, तो 36 में फिर 6 का भाग देंगे तो 6 छांग 36, तो ये कट गया। तो 6 हमारा भागफल विधि से महत्तम समवर्तक निकल गया। ठीक है। अब भागफल विधि तो हम पढ़ लिए, अब हम आगे देखते हैं दूसरा विधि, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करना है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले जो दी गई संख्या होती है उनका हम गुणनखंड निकालते हैं। जैसे हमको 12, ठीक है, और 24, 12 और 24 का हमको गुणनखंड विधि से निकालना है एचसीएफ, महत्तम समवर्तक। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो हमारे कितने बार जाएगा,
तीन बार जाएगा, फिर तीन से देंगे तो एक बार जाएगा। 24 का देखते हैं हम, तो 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 का हम निकालेंगे तो 2 से जाएंगे तो 12 बार जाएगा, फिर इधर 2 से जाएगा हमारा तो 6 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 1 बार जाएगा। तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 का गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब यहाँ पे हमको क्या देखना रहता है, गुणनखंड विधि में जो जो संख्याएं कॉमन हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो हमारा क्या क्या कॉमन है, एक तो ये दो कॉमन है, एक तो ये दो कॉमन है, ये तीन कॉमन है। तो जो जोड़ी में तो उसको एक बार लिखेंगे, और इधर में जोड़ी में तो एक बार लिखेंगे, और एक जोड़ी में तो अब इन एक बार लिख लिए। इतना तक क्लियर हो गया, जोड़ी में यदि जो तो संख्या कॉमन उनको बाहर निकाल लिए और उनको एक एक बार लिख दिए, जो संख्या का जोड़ी नहीं बन रहा उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। दो दो चार और चार किया 12, तो 12 और 24 का हमारा HCF क्या आ गया गुणनखंड विधि से 12। 12 एक बड़ी संख्या है जो 12 और 24 को बराबर भाग बांट देती है। एक चीज और याद रखिए, कभी भी गुणनखंड विधि में कभी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड आपस में कभी कॉमन नहीं निकलता है, जैसे उस स्थान पर हम क्या करते हैं, हमेशा हम उसका HCF 1 मानते हैं। कॉमन सभी संख्याओं में कॉमन 1 मिल जाते हैं ना, इसलिए जिन में भी गुणनखंड हमारा कॉमन नहीं मिलता है तो वहां पर हम हमेशा 1 लेते हैं। जैसे हम 8 और 17 का, इन दोनों का गुणनखंड निकाली जाए तो 8 का निकालेंगे तो 2 का देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, और ये 2 का देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 बार 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 17 का देंगे, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 में किसी अवाध संख्या किसी गुणन नहीं जाता, तो 17 में 17 का एक बार देंगे तो 17 का हम क्या लिख सकते हैं, 17। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं आ रहा, पर हमको इनका क्या निकालना है, HCF। इस इधर पे क्या करते हैं, ये 1 इसमें भी आया इसमें भी बना है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इनटू में किसी भी संख्या के इनटू में 1 हमेशा होता है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन बना जाएगा। तो 17 और 8 का हमारा गुणनखंड विधि से HCF हो जाएगा 1, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद समझ में आया हो, और ये वीडियो पसंद आया हो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।